गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 हिंदी रीडर पाठ नंबर 4। पाठ का नाम आदमी और जंगल। ये हम सारा रीड कर चुके हैं। जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, जिसमें जंगली जानवर थे और एक शिकारी यानी मानव शिकार करने के लिए जंगल में आ जाता है और सारे पशु जो है वो परेशान हो जाते हैं और शेर के पास जाते हैं कि हमें बचाओ। तो शेर मानव से कहता है कि तुम इन जंगलों को क्यों तबाह कर रहे हो, तुम्हें इनको उजाड़ करके क्या मिल जाएगा, और तुम्हारी सजा है कि तुम अधिक से अधिक पेड़ लगाओ और जंगल को हरा भरा करो। और जो मानव है वो उसकी बात, शेर की बात मान लेता है। ये हमने पाठ में पढ़ा था। अब हम इसके अभ्यास कार्य जो है वो करेंगे। शब्दार्थ हम इसके कर चुके हैं। हम सबसे पहले करेंगे इसके सही विकल्प। देखिए, पहला है जंगल के पेड़ पौधे किससे लदे थे, पत्तों से, टहनियों से, फल एवं फूलों से। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, फल एवं फूलों से। दूसरा है कहानी में विचित्र प्राणी किसे कहा गया है, कहानी में विचित्र प्राणी यानी अजीब सा प्राणी किसे बोला गया है, मानव को, मनुष्य को। इसका सही आंसर होगा। अगला है जंगल की रक्षा का भार किसके ऊपर आ गया, भालू पर, शेर पर, मानव पर। तो किस पर आया था, शेर पर। उससे अगला प्रश्न है जंगल के दो पर्यायवाची हैं, अब कौन कौन से हैं, वन कानन, कानन अंबर, वन पादप। तो वन है वो भी जंगल का पर्यायवाची है और कानन भी। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही आएगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। आपका कक्षा कार्य है सही विकल्प भी और प्रश्न उत्तर भी। देखो ध्यान से पढ़ते। पहला क्वेश्चन, हिरणी ममता भरी आँखों से क्या देख रही थी, हिरणी ममता भरी आँखों से क्या देख रही थी। हिरणी ममता भरी आँखों से दूर खड़ी अपने बच्चे के शरीर को उस प्राणी के द्वारा घसीट कर ले जाते हुए देख रही थी। यानी मानव ने हिरणी के बच्चे को मार दिया था और वो उसे घसीट कर ले जा रहा था और हिरणी दूर खड़ी अपने बच्चे को देख रही थी। अगला प्रश्न है पशु पक्षी भूखे प्यासे क्यों मरने लगे थे, क्योंकि इंसान ने अपनी आवश्यकताओं के लिए जंगल के जंगल तबाह कर दिए। हम सभी जानते हैं कि जंगल बहुत तेज़ी से काटे जा रहे हैं और वो सब हम किस लिए काटते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, और इस कारण पशु पक्षी भूख प्यास से मरने लगे। जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो पशु पक्षियों की भी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी और वो भूख प्यास से मरेंगे। तो इसका आंसर यही होगा, क्योंकि इंसान ने अपनी आवश्यकताओं के लिए जंगल के जंगल तबाह कर दिए और इस कारण पशु पक्षी भूखे प्यासे मरने लगे। अगला क्वेश्चन है शेर ने शिकार की ताक में खड़े आदमी से क्या प्रश्न किया, क्या पूछा उससे। शेर ने कहा क्यों जंगलों को तबाह कर रहे हो। ये किसने कहा था, शेर ने कहा है मानव से, मनुष्य से, तुम जंगलों को क्यों तबाह कर रहे हो, मेरे साथियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, यानी बाकी जंगली जानवरों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उन्हें ख़त्म करने पर तुले हुए हो। जब जंगल ही नहीं रहेगा तो पशु पक्षी भी नहीं रह पाएंगे, तो कह रहा उन्हें ख़त्म करने पर क्यों तुले हुए हो, तुम जानते नहीं ये जंगल हमारी धरोहर है, ये जंगल हमारी धरोहर यानी हमारी अमानत है। अगला क्वेश्चन है मानव शेर से माफ़ी क्यों मांग रहा था, मानव शेर से माफ़ी क्यों मांग रहा था। शेर, इसका आंसर है शेर के भय से यानी डर से मानव हाथ जोड़कर दंड के बारे में सोचते हुए बोला, हम दंड के अधिकारी हैं, हमें माफ़ कर दो। यानी हमें दंड मिलना ही चाहिए जो हम इतना बुरा काम कर रहे हैं, हम जंगलों को काट रहे हैं। ये डर के मारे वो मानव से कह रहा है कि हम सच में ही दंड के अधिकारी हैं और हमें माफ़ कर दो। मानव ने शेर सिंह की बात को स्वीकार कर क्या निर्णय लिया, फिर क्या बोला मानव।
मानव ने निर्णय लिया यानी फैसला किया कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और जंगल को फिर से हरा भरा बनाएंगे। ये मानव कह रहा है शेर से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे और हम जंगल को फिर से हरा भरा कर देंगे।